उदाहरण दो, क्यू आर एस टी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्यू आर समांतर है टी एस के। असमांतर भुजाओं क्यू टी और आर एस पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, तो दर्शाइए कि क्यू ई बटे ई टी बराबर आर एफ बटे एफ एस है। प्यारे बच्चों, अब हम उदाहरण दो देखने जा रहे हैं। उदाहरण दो एक समलंब चतुर्भुज के बारे में हमसे कुछ बातें कह रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में एक समलंब चतुर्भुज है क्यू आर एस टी और इसमें क्यू आर और टी एस भुजाएं समानांतर हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा है क्यू आर समानांतर टी एस, और जो असमांतर भुजाएं हैं क्यू टी और आर एस, इनमें क्रमशः दो बिंदु ई और एफ इस प्रकार से हैं कि ई और एफ को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्यू आर के समानांतर है। ये हमने लिखा ई एफ समानांतर है क्यू आर के। आप देख रहे हैं बिंदु ई यहाँ है क्यू टी पर और बिंदु एफ है आर एस पर, और दोनों इस तरह से हैं कि ई एफ को मिलाने पर वो क्यू आर के समानांतर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि क्यू ई बटे ई टी बराबर आर एफ बटे एफ एस। यहाँ पर देखिए क्यू ई बटे ई टी बराबर आर एफ बटे एफ एस, यानी ए और ई और एफ बिंदु इन दोनों भुजाओं को इस तरह से काटते हैं कि जो कटे हुए खंड हैं उनका अनुपात बराबर होता है। इस उदाहरण को सिद्ध करने के लिए हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करेंगे। आपको याद होगा कि इस प्रमेय में आपने इन्हीं बातों को एक त्रिभुज के संदर्भ में देखा था। यदि किसी एक भुजा के समानांतर दूसरी कोई ऐसी रेखा ऐसी गुजरती है कि जो शेष दो भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पर काटती हैं, तो वो बिंदु त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। लगभग वैसी बात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की जगह पर समलंब चतुर्भुज है। तो इसे हम सिद्ध करने के लिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करेंगे, और इसके लिए हम इस समलंब चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटते हैं, और ऐसा करने के लिए हम Q और S को मिला देते हैं। ये जो रेखाखंड QS है वो रेखाखंड EF को G पर काटता है। तो अब आप देखिए जरा कि इस रेखाखंड के खींचने से जो कि समलंब चतुर्भुज का एक विकर्ण है, ये पूरा का पूरा समलंब चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट जा रहा है। एक त्रिभुज है QTS, ये आप देखिए QTS एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है जिसका शीर्ष हम थोड़ी देर के लिए S को माने, तो SRQ ये दूसरा त्रिभुज है। और इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं ये EF जो है वो QR के समानांतर है, और चूंकि QR TS के समानांतर है इसलिए EF भी TS के समानांतर होगा। तो आप एक बात चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के और क्यू आर समानांतर है टी एस के। तो आप एक लाइन यहाँ पर और जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से इसके आधार पर कि ई एफ समानांतर क्यू आर और ये समानांतर टी एस। तो ये एक ऐसा आधार बनाएगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हमने इन दोनों कथनों के आधार पर टी एस को यहाँ पर लिख लिया, तो अब तीन जो भुजाएँ हैं वो समानांतर हो गई। ई एफ क्यू आर के समानांतर है और ई एफ टी एस के भी समानांतर है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ई एफ टी एस के समानांतर है और जी ई एफ पर ही एक बिंदु है, तो आप कह सकते हैं कि ई जी भी टी एस के समानांतर है। तो यहाँ हम लिख लें, यहाँ से शुरू करते हैं, हम लिख लें कि ई जी समानांतर है टी एस के, तो ये दोनों समानांतर हो गई। तो आप फिर तुरंत आधारभूत समानुपातिक प्रमेय की बात कह सकते हैं, और इसके आधार पर कह सकते हैं कि ई और जी दो ऐसे बिंदु हैं जो त्रिभुज क्यू टी एस की भुजाओं क्यू टी और क्यू एस को दोनों भुजाओं को दो दो हिस्से में बांट रहे हैं, क्यू ई और ई टी और क्यू जी और जी एस। तो इस प्रमेय के आधार पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात है। इसे हम लिख लें तो हमें मिलेगा क्यू ई बटे ई टी बराबर होंगे क्यू जी बटे जी एस के। इसे आप कथन एक कह दें, फिर से देख लीजिए।
त्रिभुज क्यू टी एस त्रिभुज है जिसमें टी एस के समानांतर ई जी है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि बिंदु ई और जी भुजा क्यू टी और भुजा क्यू एस को ऐसे हिस्सों में बांटते हैं कि जिनका अनुपात बराबर है। तो आप कह सकते हैं क्यू ई बटे ई टी, क्यू ई बटे ई टी बराबर होगा क्यू जी बटे जी एस के, क्यू जी बटे जी एस के। अब ठीक इसी तरह से आप इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एस आर क्यू में यहाँ पर भी ई एफ क्यू आर के समानांतर है, तो जी एफ भी क्यू आर के समानांतर होगा। तो आप इसको इस तरह से लिखें, ये आप लिखने जा रहे हैं आप त्रिभुज एस आर क्यू में, एस आर क्यू में, और ये जो आपने काम किया था वो था क्यू टी एस में, तो आप चाहें तो यहाँ पर जोड़ लें त्रिभुज क्यू टी एस में। एस आर क्यू में आप देखिए कि चूंकि ई एफ क्यू आर के समानांतर है और जी ई एफ में ही कहीं स्थित है, इसलिए जी एफ समानांतर होगा क्यू आर के। तो आप लिख लीजिए जी एफ समानांतर है क्यू आर के, ये रेखाखंड जी एफ और रेखाखंड क्यू आर दोनों समानांतर होंगे। तो जी और एफ ऐसे बिंदु होंगे जो क्रमशः इन भुजाओं को समान अनुपात में काट रहे होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं एस जी बटे जी क्यू बराबर एस एफ बटे एफ आर, और यदि इनका क्रम हम बदल दें तो हम इस तरह से कह सकते हैं क्यू जी बटे जी एस बराबर आर एफ बटे एफ एस। देखिए हमने कुछ नहीं किया, यदि इस त्रिभुज को उल्टा करके देखें तो आपको ये दो खंड मिलेंगे और ये दो खंड मिलेंगे और इनका अनुपात मिलेगा। तो पहला अनुपात एस जी बटे जी क्यू होगा और दूसरा अनुपात एस एफ बटे एफ आर होगा। इसको आप इन भुजाओं को पहले लिख लें तो आपको मिलेगा क्यू जी बटे जी एस बराबर आर एफ बटे एफ एस। इस कथन को हम लिख लें, हम ऐसा लिखेंगे क्यू जी बटे जी एस बराबर आर एफ बटे एफ एस। मान लीजिए कथन दो है। अब कथन एक को देखिए, एक का बायां पक्ष है क्यू ई बटे ई टी और दूसरा पक्ष है क्यू जी बटे जी एस। यहां पर है क्यू जी बटे जी एस बराबर आर एफ बटे एफ एस। यदि आप इसको उल्टा करके लिख लें, ऐसा लिख लें आप आर एफ बटे एफ एस बराबर क्यू जी बटे जी एस। आपने बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में लिखा और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिखा, और मान लीजिए यही कथन आपका दो है। तो इससे आप इन दोनों को मैच कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड में आपको मिलेगा क्यू जी बटे जी एस और यहाँ पर भी आपको मिल रहा है क्यू जी बटे जी एस। तो राइट हैंड साइड अगर बराबर है दो समीकरणों के, तो उनके बाएं पक्ष भी बराबर बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं क्यू ई बटे ई टी, इसका परिणाम होगा एक और दो से हमको मिलता है क्यू ई बटे ई टी, क्यू ई बटे ई टी बराबर आर एफ बटे एफ एस। अब आप देखिए यही आपको सिद्ध करना था, क्यू ई बटे ई टी बराबर आर एफ बटे एफ एस। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी समलंब चतुर्भुज में यदि हमें दो बिंदु ऐसे मिलते हैं जो समानांतर भुजाओं के समानांतर हैं, या तो आप इसके समानांतर कह लें या इसके समानांतर कह दें, वो दोनों का समानांतर हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ई और एफ ऐसे बिंदु होंगे जो असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में बांटते होंगे। तो इस तरह से आपने प्राप्त किया ई और एफ के आधार पर कि क्यू ई और ई टी का जो अनुपात है वो आर एफ और एफ एस के अनुपात के बराबर है, और यही आपको सिद्ध करना था।